नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, हबीबपुर थाना के वाहन चालक की गोली मारकर हत्या, घटना की जांच में जुटी पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तलाशी अभियान हुआ तेज, घटना को अंजाम देने जा रहे दो अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जांच कमेटी की अनुशंसा पर टीएनबी प्रचारी पर कभी भी गिर सकती है गाज, पूर्व एसओ ने लगाया फर्जी एलपीसी बनाने का आरोप। पर्व त्योहार को लेकर एसपी ने सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ की बैठक, पार्षद ने अतिक्रमण हटाने की लगाई गुहार। और जमीन विवाद को लेकर नाथनगर में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, एक की हालत गंभीर। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर कजरेली थाना क्षेत्र के गौरा चक्की में पेट्रोल पंप के समीप गुरुवार की देर रात बदमाशों ने हबीबपुर थाना के निजी वाहन चालक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने हबीबपुर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष पंकज कुमार दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक चालक की पहचान नौगछिया थाना क्षेत्र के मकंदपुर निवासी शेख अफशार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक चालक पिछले 8 महीने से हबीबपुर थाने की जीप चलाकर अपना गुजर बसर कर रहा था। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं हबीबपुर पुलिस हत्याकांड की तफ्तीश में जुट चुकी है। भागलपुर मधुसूदनपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब के नशे में धुत दो बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश की तलाशी करने पर पुलिस ने एक देसी पिस्टौल और कारतूस बरामद किया। मामले को लेकर एएसपी पूरन कुमार ने बताया कि गश्ती के दौरान संदेह होने पर बाइक सवार को जांच के लिए रोका गया, पर पुलिस को देखते ही बाइक पर सवार एक युवक चलती बाइक से कूदकर फरार हो गया। पकड़े गए युवक की पहचान भतोड़िया निवासी रुपेश यादव एवं पिंटू चौधरी के रूप में हुई है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर दोनों व्यक्ति के शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट एवं शराब पीने के जुर्म में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने एवं चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर किए जा रहे वाहन जांच के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आगामी विधानसभा चुनाव हेतु कुख्यात अपराधकर्मी को गिरफ्तारी, विधि व्यवस्था संधारण तथा शांतिपूर्वक चुनाव कराने हेतु भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में यह सूचना मिली कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भटोरिया गांव के गोविंदपुर चौक के पास कुछ अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा SHO मधुसूदनपुर को निर्देशित किया गया, जिसके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचा गया और पुलिस को देख करके तीन लोग भागने लगे, जिसमें से दो लोगों को पुलिस के द्वारा धरपकड़ किया गया, उनको पकड़ा गया। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल राजभवन ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय समेत सूबे के अन्य विश्वविद्यालय में हुई वित्तीय अनियमितता की रिपोर्ट तलब की है। वहीं टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी को 80 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता मामले में टीएनबी की जांच कमेटी ने दोषी पाते हुए उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। इधर कॉलेज के पूर्व एसओ अमरेंद्र कुमार झा ने प्राचार्य पर फर्जी तरीके से एलपीसी बनाने का आरोप लगाया है। अमरेंद्र झा ने कहा कि डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का लास्ट पे सर्टिफिकेट लीगल नहीं है, इसके बावजूद उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है। टीएनबी प्राचार्य के एलपीसी के मामले को लेकर के मैं तो जुलाई 2019 से जब वेतन निर्धारण की बात हुई सप्तम वेतनमान का, उसी समय इसका सारा फैक्ट दिया था विश्वविद्यालय को। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, कुछ दिन पहले कुलपति जी कहते हैं कि एलपीसी की गड़बड़ी की जानकारी हमें है, तो जब जानकारी उन्हें है और जिसके संदर्भ में जानकारी है वो प्रतिमाह 260,000 रुपया ले रहा है, अब तो कुलपति जी इस पर कोई कार्रवाई करें।
भागलपुर के नए एएसपी पूरन कुमार झा ने शुक्रवार को शांति समिति और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की। तिलकमांझी थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान मंदिर परिसर में एएसपी ने आगामी विधानसभा चुनाव और पर्व त्योहार को देखते हुए क्षेत्र की समस्याओं का फीडबैक लिया। इस दौरान वार्ड नंबर 32 के पार्षद हंसल सिंह ने एएसपी पूरन कुमार झा को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और पार्षद ने हटिया रोड में लगने वाले अतिक्रमण की जानकारी पुलिस पदाधिकारियों को दी। साथ ही कहा कि पिछले दिनों नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण दोबारा अतिक्रमणधारियों ने कब्जा जमा लिया है। वहीं डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि जाम के कारण तिलकामांझी हटिया रोड में आए दिन मरीजों एवं आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैठक में नए सिटी एएसपी पूरन कुमार झा ने जल्द समस्या समाधान का भरोसा दिलाया है और थानाध्यक्ष महेश कुमार को कई दिशा निर्देश दिया। बैठक में विनोद अग्रवाल, मयंक देव समेत कई लोग मौजूद थे। आज शांति समिति की बैठक थी, दुर्गा पूजा, काली पूजा और आगामी विधानसभा को लेकर एएसपी साहब भी आए हुए थे, थाना प्रभारी भी थे। लेकिन मुख्य मांग हम लोगों का था अतिक्रमण, जो हटिया रोड में अतिक्रमण होता है, डॉक्टरों के द्वारा गाड़ी लगाना, मोटरसाइकिल लगाना पेशेंट के द्वारा, सब्जी वाला, ठेला वाला, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया राजधानी टोला में शुक्रवार को पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद में चचेरे भाई ने दूसरे भाई पर लाठी डंडे से हमला कर पुलिस के सामने ही घायल कर दिया। घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए धर्मपाल मंडल को मधुसूदनपुर पुलिस द्वारा नाथनगर रेफर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जख्म गहरा होने के कारण उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि बेटे को पीटता देख बीच बचाव करने गई धर्मपाल की मां भी घायल हो गई है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी विकास मंडल घर से फरार हो गया है। मामले को लेकर पुलिस आरोपी के पिता बजरंगी मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उतरते उतरते मार दिया, कुछ नहीं किया था, पहले सामान उमान गोली चलाया, जैसे घर गया गोली चलाया घर घुस करके। भागलपुर रेलवे स्टेशन से शनिवार को स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की साफ सफाई के साथ हर तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। लॉकडाउन के बाद लंबे समय से बंद ट्रेनों की परिचालन शुरू होने से यात्रियों को गंतव्य तक जाने में काफी सुविधा मिलेगी। भागलपुर स्टेशन पर ट्रेन परिचालन की तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविशंकर सिन्हा ने। कोरोना महामारी के कारण 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था और कोरोना महामारी की समस्या को बढ़ते देख 25 मार्च से पूरे देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसके कारण रेलवे के परिचालन को भी पूरे देश भर में बंद कर दिया गया। आज करीब 180 दिनों के बाद भागलपुर से अब रेल का परिचालन शुरू होने की घोषणा की जा चुकी है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और यह जो आप देख रहे हैं यह भागलपुर से खुलने वाली स्पेशल ट्रेन है जो दिल्ली के लिए जाएगी। और हम आपको बता दें कि यह शनिवार को यह ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस के समय से खुलेगी भागलपुर से और यह दिल्ली के लिए रवाना होगी। हम आपको बता दें कि यह भागलपुर से जाने वाली लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली यह एकमात्र ट्रेन है, यह पहली ट्रेन है। हालांकि इस बीच में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली पर वो कोई नियमित ट्रेन नहीं थी और यह भी एक स्पेशल ट्रेन के रूप में जा रही है। हालांकि यह विक्रमशिला के टाइमिंग से यह जाएगी। आज जो आप देख रहे हैं कि पूरे स्टेशन परिसर पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ है, अभी आपको कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कल से यह नज़ारा बदल जाएगा और हम भागलपुर से दिल्ली जाने वाले लोगों की यहां पर भीड़ भी देखने को मिलेगी। और इसको लेकर के हम आपको बता दें कि कल जबकि ट्रेन का परिचालन यहां से शुरू होना है तो आज रेलवे की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। ट्रेन की साफ़ सफाई के साथ बोगी के अंदर की भी साफ़ सफाई की गई है। इसका खास ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन के बाद यह पहली ट्रेन होगी जो भागलपुर से शनिवार को स्पेशल ट्रेन के रूप में रवाना होगी दिल्ली के लिए। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, स्टील टीवी, भागलपुर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई भी बात 1950 1950
क्या है शिकायत या सुझाव? 1950 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के ख्वासपुर बहियार के समीप मरगंग धार में शुक्रवार को अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि आने जाने के क्रम में ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही एकचारी थाना अध्यक्ष मणिभूषण कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को धार से बाहर निकलवाया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि कई दिनों तक पानी में रहने के कारण शव की शिनाख्त करने में परेशानी हो रही है, साथ ही मृतक के पूरे शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान हैं। पुलिस ने युवक की हत्या होने का आशंका जताया है। फिलहाल पुलिस द्वारा लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की पड़ताल की जा रही है। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड परिसर स्थित जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय परिसर में शुक्रवार को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 86 दिव्यांग जनों के बीच ट्राईसाइकिल और बैसाखी का वितरण किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन सदर एसडीओ आशीष नारायण, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त सचिव प्रकाश चंद्र गुप्ता, आपदा प्रभारी मनोज पांडे एवं जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग की अन्नु कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए दिव्यांगजनों को उपकरण दिया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ट्राईसाइकिल से दिव्यांगजनों के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिससे शत प्रतिशत लोग मतदान में हिस्सा ले सकें और अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। यहाँ से 86 लोगों को कुल ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र और वैशाखी दी गई है। आगे भी हमें कुछ और लोगों को जो भी लाभुक होंगे उनका आवेदन हमें प्राप्त होते ही उन्हें हम आगे किसी तिथि को वितरण करने की योजना बनाएंगे। जीवन जागृति सोसाइटी एवं भागलपुर शिशु अकादमी की ओर से शुक्रवार को जांच शिविर लगाया गया। खंजरपुर स्थित एक निजी होटल में जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की सर्जरी के उपरांत एक दर्जन से ज्यादा बच्चों की जाँच शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर विनय मिश्रा एवं डॉक्टर पी एन राय ने की। जीवन जागृति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार नारायणा और रविंद्रनाथ टैगोर हेल्थ हॉस्पिटल के सहयोग से असहाय परिवार के बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। वहीं जांच शिविर में जिले भर से आए मरीजों और उनके अभिभावकों के चेहरे पर रोगों से मुक्त होने के बाद खुशी की मुस्कान दिखी। साथ ही लोगों ने सोसाइटी के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। डॉक्टर अजय ने कहा कि भागलपुर के निर्धन परिवारों के बच्चे को हृदय रोग से बचाने के लिए इस सेवा की शुरुआत 24 नवंबर 2019 में की गई थी और यह आगे भी जारी रहेगा। जीवन जागृति सोसाइटी का एक खुशी का दिन है और ये लोगों के लिए भी खुशियां लेकर आया है। एक्चुअली करीब करीब एक साल पहले हम लोगों ने एक कैंप किया था, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए डिटेक्शन का कैंप किया था और वो नारायणा हॉस्पिटल, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल भी कहते हैं, वहाँ के सौजन्य से हुआ था। और उस कैंप का मकसद था बच्चों में हृदय रोग का जो विकार है, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, वैसे बच्चों को पहचान करना। बहुत बढ़िया मौका है, ऐसे बच्चे जिनको बचपन में जन्म के साथ ही दिल में कुछ बनावटी खराबी होती है और उनके परिवार पे एक बड़ा सदमा हो जाता है, वो फाइनेंशियली बहुत ही निचले पायदान पे होते हैं और उनका जीवन जागृति सोसाइटी और नारायण हृदयालय आपस में मिलके एक इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं भागलपुर में और फिर एक ग्रुप बनाते हैं और उनका फ्री, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराते हैं। भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने के लिए कानूनी तरीके अपनाए जाएंगे। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मजहर अख्तर शकील ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन सरकारी जमीन है, इस जमीन को अगर किसी ने खरीदा है तो उसे अवैध कब्जा माना जाएगा। बोर्ड की जमीन पर अगर आलिशान भवन भी बना है तो उसे भी कब्जाधारियों से मुक्त कराया जाएगा। डॉक्टर मजहर ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को चिन्हित कर जमीन का नया खाता खसरा नंबर उपलब्ध कराने की मांग जिलाधिकारी से की गई है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर मजहर अख्तर शकील ने बताया कि गोराडी, जगदीशपुर और सनहोला में 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि वक्फ संख्या 231 की संपत्ति जो खानकाह शाहवाजिया की है, उस पर भी भू माफियाओं ने कब्जा कर बेचना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा खानकाह शाहवाजिया की प्रॉपर्टी जो वक्फ नंबर 231 है, उस प्रॉपर्टी पर लोगों ने झूठ मूठ का कब्जा करके बेचने की साजिश कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा गोराडी है और जगदीशपुर के अंचल में जमनी है, खीरी बान है, और उस पर हम लोगों ने अंचल अधिकारी को, चूँकि हमारे यहाँ तौजी नंबर पुराना है, खाता खसर नंबर नया नहीं है, इसलिए हम लोगों ने अंचल अधिकारी जगदीशपुर, अंचल अधिकारी गोराडी और अंचल अधिकारी सनहोला से मांगा है कि हमारी ज़मीन का, जो वक्फ की 231 की ज़मीन है, उसका नया खाता खसर नंबर दिया जाए। पुलिस जिला नवगछिया के नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मखतकिया स्थित हनुमान मंदिर के निकट पानी से छत विछत स्थिति में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान नवगछिया थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय सुनील कुमार के रूप में हुई है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा नवगछिया थाना को सूचना मिलते ही नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। बता दें कि घटनास्थल से विदेशी शराब की कई खाली बोतल बरामद की गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सुनील कुमार गुरुवार दोपहर से ही लापता था, उसकी काफी खोजबीन की जा रही थी। घटना को लेकर परिजनों में मातम का माहौल पसरा हुआ है। नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने बताया कि परिवारों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की छानबीन की जा रही है। और ऐसे भी पहले भी मर्डर हुआ है, आज 2 साल पहले एक मुस्लिम का मर्डर हुआ था।
उसके एक साल के बाद फिर एक हरिजन का मर्डर हुआ रेलवे में। ये लॉटरी के टिकट के ही चलते से ऐसा घटना हो रहा है। और उस जिला प्रशासन के निर्देश पर ICDS द्वारा गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु और छात्री महिलाओं को नियमित रूप से पोषण के प्रति जागरूक करने और पोषणहार उपलब्ध कराने के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिससे मातृ शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के साथ स्वस्थ भी रखा जा सके। भागलपुर के जगदीशपुर बाल विकास परियोजना कार्यालय में शुक्रवार को पोषण माह को लेकर पोषण परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। जगदीशपुर CDPO रूबी सिंह समेत कई कर्मियों ने फीता काटकर और दीप जलाकर केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान पोषण परामर्श केंद्र की प्रचार प्रसार के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर रीता कुमारी, अनु कुमारी, रेखा सिंह, शंभुनाथ, राजकुमार समेत कई कर्मी मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर NDA नेताओं ने क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गोड्डा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, भागलपुर JDU सांसद अजय मंडल, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, पवन मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों ने पीरपैंती विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और एकडारा, दुबैली, प्यालपुर, गोराडी, ख्वासपुर, अंतीचक सहित अन्य जगहों पर जनता से जनसंवाद स्थापित किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में NH80 सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों का समाधान करने का आश्वासन दिया एवं विधानसभा चुनाव में NDA उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। मौके पर पूर्व विधायक अमन कुमार, इंजीनियर ललन पासवान, निशांत कुमार पांडे, प्रिंस कुमार, अमरजीत भारती, गुड्डू झा सहित सैकड़ों NDA कार्यकर्ताओं ने गोड्डा एवं भागलपुर सांसद का पीरपैंती की धरती पर जोरदार स्वागत किया। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, हबीबपुर थाना के वाहन चालक की गोली मारकर हत्या, घटना की जांच में जुटी पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तलाशी अभियान हुआ तेज, घटना को अंजाम देने जा रहे दो अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जांच कमेटी की अनुशंसा पर TNB प्रचारी पर कभी भी गिर सकती है गाज, पूर्व SO ने लगाया फर्जी LPC बनाने का आरोप। पर्व त्योहार को लेकर SP ने सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ की बैठक, पार्षद ने अतिक्रमण हटाने की लगाई गुहार। और जमीन विवाद को लेकर नाथनगर में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, एक की हालत गंभीर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।